सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जॉइन इंडियन आर्मी यानी कि अग्निवीर जो 4 साल के लिए रिक्वायरमेंट आया था उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप किस तरीके से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका पासवर्ड क्या होगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी एक ब्राउज़र ओपन कीजिए और सर्च बार में आप टाइप कर दीजिए जॉइन इंडियन आर्मी, यह लिखकर आप सर्च कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक वेबसाइट मिल जाएगा जॉइन इंडियन आर्मी NIC.in, इस वेबसाइट पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक कैप्सा आ जाएगा, आपको इस बॉक्स में कैप्सा फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए और उसके बाद एंटर वेबसाइट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अग्निपथ। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन इन एंड अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज़र नेम, यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी होगा जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई किया था। ठीक है, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिए। अगर पासवर्ड पता नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके रिसेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कैप्सा मिलेगा इस बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। ये सारे चीज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, तो आपको राइट साइड पे देखिए यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस तरीके से निकाल के आएगा। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ इंटरव्यू होगा और कितना टाइम में इंटरव्यू होगा, वो सारा डिटेल्स मिल जाएगा। नीचे में देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये PDF फाइल में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे एक पासवर्ड आ जाएगा। आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, आपका जो पासवर्ड है वो ईमेल आईडी है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस तरीके से निकाल कर आ जाएगा। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपको यहाँ पर डेट टाइम देखने को मिल जाएगा और आपका वेन्यू जो है वो कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगाना होगा। आप प्रिंट आउट करके यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यूज़ देने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे लेकर जाइए, ओरिजिनल और जेरक्स के साथ। ठीक है, उसके बाद 10 कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाइए और ये एडमिट कार्ड लेकर जाइए डोमिसियल, और उसके बाद आपको एक एफिडेविट मिलेगा। ठीक है, उसको भी साथ में लेकर जाइए। तो ये सारे चीज़ लेकर जाइए आप। ठीक है, तो भी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मेरे तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। तो दोस्तों ये वीडियो देख